हे क्यूटीज, तो आप सब जानते ही होंगे कि ब्लैंक द सीरीज़ की सीज़न 2 कंफर्म हो चुका है और नाइन स्टार स्टूडियो ने यह अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट मंथ को यानी कि मई मंथ पर ब्लैंक द सीरीज़ सीज़न 2 को रिलीज़ करेगी। सीज़न 2 की स्टार्ट ही होगी ओरिजिनल स्टोरी की एपिसोड 7 से। ओरिजिनल स्टोरी जो कि है नोबल बुक, स्टोरी के नेम है फिल इन द ब्लैंक लव इन द वर्ल्ड। तो उसी नोबल बुक से चलो हम जानते हैं आगे क्या होने वाली है। सो कुनमिंग अनमिंग को बेड पर पुश की थी और वो उसकी स्कर्ट को ओपन करती है और अपने फिंगर से उसकी वीक पॉइंट पर टच करती है। कुनमिंग उसके खाने में कहती है कि मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है, नहीं तो मैं कैसे जानूंगी कि तुम राइट नाउ क्या फील कर रहे हो। अनमिंग थोड़ी एम्बेरस थी, वो कहती है पर मैं क्या बोलूँ। कुनमिंग कहती है बी ऑनेस्ट, तुम्हें जो भी कहना है तुम बोल सकते हो। तो अनमिंग कुनमिंग के फिंगर को उसके वीक पॉइंट पर टच करते हुए उसे मूवमेंट करती है और कहती है अनमिंग प्लीज डू इट, इट फील सो गुड। तो कुनमिंग कहती है कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छे फील करवा सकती हूँ। ये कहते ही कुनमिंग उसकी शर्ट को ओपन करने लगती है। आप क्या कर रहे हो। कुनमिंग कहते हैं टेक ऑफ योर शर्ट। विल अनमिंग थोड़ी शाय थी और वो कुनमिंग को बीच रोड पर रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद ही अपनी शर्ट को ओपन करती है और अपनी प्राइवेट क्लॉथ को भी। अनमिंग अपनी वीक पॉइंट पर कुनमिंग के फिंगर को महसूस करते हुए मौन करते हैं। अनमिंग कहते हैं आर यू हैप्पी नाउ, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट। कुनमिंग स्माइल करते हुए उसके ऊपर आती है और उसकी प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ पर लेती है। आई वॉन्ट यू, कुनमिंग कहती है। अनमिंग स्लोली मौन करती है और ये चीज़ कुनमिंग को बहुत इनकरेज करती है। वो धीरे धीरे अनमिंग को लिक करते हुए उसे टेस्ट करती है। अनमिंग मौन करते हुए कहती है अनमिंग आई कांट टेक इट एनी मोर। फिर वो कुनमिंग की हेड को होल्ड करके अपने वीक पॉइंट पर ले जाती है बहुत ही कंफर्टेबली। लाइक आज रात वो चेयरफुल किड रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहती है। कुनमिंग धीरे से उसके वीक पॉइंट पर जाती है, अपनी टांग यूज़ करती है और धीरे धीरे चारों ओर लिप करती है। कुनमिंग इट्स अनॉइंग डू समथिंग, कुनमिंग कहती है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। अनमिंग की नेक बॉडी अभी भी कुनमिंग के माउथ पर थी। कुनमिंग जो भी कर रही थी लाइक जैसा अनमिंग चाहती है, बट फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अनमिंग मौन करते हुए अपने ड्रेस को पुल कर रहे थे। दैट इज बट नॉट एग्जैक्टली, तभी कुनमिंग कहती है अच्छा व्हाट अबाउट दिस। ये कहते ही कुनमिंग अपने फिंगर को उसके वीक पॉइंट पर पुश करती है। अनमिंग की फेस एकदम अलग एक्सप्रेशन में बदल जाती है, दोनों फीलिंग्स पर लाइक पेन और क्यूरियस। कुनमिंग सोचती है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले ऐसा कुछ भी नहीं की थी, फाइनली मैं उसे हैप्पी फील करवाए, बट ऑल्सो देयर इज पेन टू। बट ये थोड़े टाइम के लिए हर्ट तो थी, बट कुछ ही टाइम बाद ये एकदम स्मूथली हो जाती है। कुनमिंग रिपीटेडली उसके वीक पॉइंट पर अपने फिंगर को पुश करते हैं और उसे लिक करते हैं। कुनमिंग कहते हैं इज दैट हाउ यू लाइक इट। अनमिंग कोई आंसर नहीं देती है। व्हाट, कुनमिंग उसकी ओर देखती है। अनमिंग जब रियलाइज करती है कि क्या कुनमिंग यहीं पर रोक देगी, अनमिंग तभी उसकी हेड को नीचे पुश करती है। या आई लाइक इट प्लीज डू इट। अनमिंग अपनी फीलिंग्स को एकदम डायरेक्टली एक्सप्रेस करती है। दिस वॉज द सेकेंड टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैपन बिटवीन अनमिंग एंड मी। And what was more shocking was that I was the one who started it this time. जब मुझे बाथरूम पर शावर की साउंड सुनाई देती है तो मेरी ब्लड पंपिंग करती है। What's wrong with me? When I thought about last night, I became emotional. हम दोनों intimate हुए थे।
नुइंग ये सब सोच रहे थे तभी वॉशरूम की डोर ओपन करके अनुइंग आती है और उसके क्लोजेट को पुल करती है। वो कन्नुइंग की ओर देख कर एक सेकेंड तक रुक जाती है। वाट, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कन्नुइंग कहते हैं। अनुइंग कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैं यहाँ कैसे आई? फिर वो रूम के चारों ओर देखती है। मुझे याद है मैं आपके साथ यहाँ आई थी, बट उसके बाद सब कुछ ब्लैंक है। वेरी कन्विंसिंग। क्या वो प्रिटेंड कर रही है कि कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुई थी उसे वो याद नहीं है? कन्विंग सोचती है। नो वे, वो कल पूरी रात मेरे नाम ले रही थी और क्या मैं अकेले में वो सब कुछ कर रही थी? तुम ज़्यादा अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाते हो, हाँ तुम कल बहुत ड्रंक थे। अनविंग कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे अपने हेड पर बहुत पेन महसूस हो रही थी। कन्विंग कहते हैं, ओके लगता है तुम्हें हैंगओवर हो चुकी है, यहाँ जाओ और रेस्ट ले लो। अनविंग मना करती है, वो कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड्स के घर जाना है। बाय लबे, अब कल मुझे मेरी ग्रैंड माँ के हाउस क्यों नहीं छोड़ा? कन्विंग कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंड माँ अगर तुम्हें वैसे ड्रंक हालत में देख लेती ना तो वो तुम्हें बहुत हिट करती है। ओह, दैट्स द रीज़न कि मैं यहाँ हूँ। कन्विंग कहते हैं, तुम मेरे साथ ये कौन सी गेम खेल रहे हो? गेम? कैसा गेम? अनविंग रिएक्ट करती है। कम ऑन, डू आई लुक स्टूपिड? तुम कल पूरी रात मेरे साथ थे और तुम्हें याद भी नहीं है कि हम दोनों के बीच लास्ट नाइट क्या हुई थी? अनविंग थोड़ी सेकेंड तक सोचती है और ऐसे एक्ट करती है लाइक शी डिडंट केयर। आई रिमेंबर लास्ट नाइट वी डिड इट। अनविंग की यह बात सुनकर कन्विंग अकेली थी जो एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। देन वॉट? अनविंग की ये क्वेश्चन कन्विंग को एकदम स्टैचू कर देती है। अनविंग कहती है, अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी तो हमें यही पिटन करनी चाहिए कि लास्ट नाइट कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, यस, देन इट्स डिपेंड ऑन यू। हम लोग पिटन कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर अनविंग बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। डैम, समवन लाइक एमिल सिपाकॉन जो ऑलवेज एक काबिल पर्सन थी और आज, बट ये अच्छी बात है कि वो अपने नीज पर बैठे उसे भीख नहीं मांगा कि यहाँ रुकने के लिए। अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। अगले सीन में कैफे पर चैट आता है कन्विंग से मिलने। वो टेबल पर कुछ मैन की फ़ोटोज रखता है। कन्विंग उसे देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है। फट, तुम मेरे ये सारे फ़ोटोज़ क्यों लाए हो? क्या तुम चाहते हो मैं इनमें से किसी को चूज़ करके इनसे शादी करूँ? डोंट यू लाइक बॉयज? चैट आस्क करता है। चैट की इस बातों पर कन्विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। चैट कहता है कि ये वो सारे लड़के हैं जो अनविंग को फॉलो करता है। तो कन्विंग उन सब की फ़ोटो अच्छे से देखती है। आ, सिक्स पर्सन, तुम्हारी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है। कन्विंग, ये टाइम नहीं है मजाक करने का, चैट कहता है। कन्विंग कहते हैं, तुम्हारी डॉटर तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी, तुम उसके ऊपर नज़र रख रहे हो? चैट कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कन्विंग उनमें से एक पिक्चर को पहचान लेती है। ये वही लड़का है जो उस दिन यूनिवर्सिटी की पार्टी वाली नाइट पर उसे हक कर रहा था। कन्विंग चैट से कहती है कि इस लड़के की ध्यान रखने के लिए। ऑल्सो वो ये भी कहती है, अगर वो अपनी मॉम की रास्ते पर चलेगी तो उसे अपनी डैड की तरह ही कोई ना कोई मिल जाएगी। चैट सेम टाइम पर कंफ्यूज और एम्बेरस दोनों ही फील करता है। कन्विंग कहती है, वैसे तुम उस लड़के के साथ जो भी करना थोड़ी संभाल के करना। चैट कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं कोई माफिया नहीं हूँ। दोनों स्माइल करती है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, कॉज तुम उसकी माँ की जैसे हो। चैट कहता है, मदर? न्यूइंग अपने लिप को ट्विस्ट करती है। नो वे, मैं ये रोल नहीं प्ले कर सकती, कन्विंग कहती है। चैट कहता है, क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें शादी करता हूँ तो, और ये रोल मैं तभी प्ले करूँगा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। कन्विंग कहती है,
तो अपनी प्राइम मिनिस्टर होने तक वेट करो। उसके बाद 2 वीक्स बीत जाती है, चेट एकदम गायब रहता है, ऑल्सो अनविंग भी। खुद न्यूइंग अपने घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो वो अपनी कुकिंग स्टार्ट करती है। अब वो अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही थी। उसने सोच लिया वो एक रेस्टोरेंट ओपन करेगी और हेल्दी फूड डिलीवर करेगी। सैम कहते हैं, इट्स अ गुड आइडिया मॉन, और मुझे डिलीशियस फूड बहुत पसंद है। हम दोनों ही आपकी एवरीडे फर्स्ट कस्टमर रहेंगे। खुद न्यूइंग कहती है, मैं इसकी प्राइस बहुत बढ़ा दूंगी। सैम कहती है, आई एम रिच वुमन, मैं अपने लिटिल सिस्टर को बहुत पसंद करती हूँ। वो मुझे बहुत इरिटेट करती है बट क्यूट वे पर। खुद न्यूइंग कहते हैं कि वो ऐसे एरिया पर अपने रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है ताकि वो अपनी सर्विस पर कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल सके। सैम कहती है, तो आप कौन सी टाइप की फूड रखोगे? खुद न्यूइंग कहती है, थाई फूड। सैम कहती है, आई रियली लाइक थाई फूड, मैं आपके सारे मेनू बाई कर लूँगी। खुद न्यूइंग कहती है, यू आर सो प्रिटी, डू यू वॉन्ट टू बी माई वाइफ? सैम कहती है, नो आई कांट, कॉज आई वॉज बॉर्न टू बी अ हस्बैंड। ओके, हम दोनों क्लोज सिस्टर हैं बट इतने क्लोज होने की कोई नीड नहीं है, इट्स सो वियर्ड। अगले सीन में वो दोनों एक रिच एरिया पर एक गुड लोकेशन ढूंढ रही थी उसकी रेस्टोरेंट के लिए, तभी खुद न्यूइंग की फ़ोन रिंग होती है। ये नंबर थी चैट का। खुद न्यूइंग, क्या तुम अभी यहाँ आ सकते हो? अनविंग किसी के साथ डेट कर रही है। व्हाट? खुन्निंग बहुत रिएक्ट करती है, वो अभी कहाँ है? चेट उसे कहता है कि एक जापानीज रेस्टोरेंट है टोंगलोर। व्हाट अ कोइंसिडेंट, सैम और मैं यहीं पर हूँ, क्या सैम मेरे साथ जा सकती है? चैट कहता है, ऑफकोर्स, वो उन दोनों के लिए वेट कर रहा है। अगले सीन में वो जापानीज रेस्टोरेंट दिखा जाती है। अनविंग को डेट करते हुए देखकर खुन्निंग और सैम एक दूसरे की ओर देखती है। वाओ, आई एम सरप्राइज, खुन सैम और आंटी न्यूइंग यहाँ पर? अनविंग जल्दी से उठती है, वो रिस्पेक्टफुली उनसे बात करती है और उस पर्सन से मिलवाती है जिसके साथ वो डेट कर रही है। वाई, दिस इज खुन सैम एंड आंटी न्यूइंग। खुन्निंग को ये एडमिट करनी ही पड़ती है, अनविंग की टेस्ट अच्छी है। वाई को देखकर वहाँ चैट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था, कॉज वाई एक टॉम बॉय था। वो लोग बैठती है, खुद न्यूइंग कहती है, वाई प्लीज़ तुम उसकी केयर करना, तुम दोनों सच में एक गुड कपल हो। मैं रिलीफ फील कर रही हूँ कि उसके पास तुम्हारे जैसी एक सिंसियर फ्रेंड है। तभी चैट कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। खुद न्यूइंग उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे रोक लेती है, बैठो। गाइस आई एम सॉरी, सैम तुम उनके साथ बात करो। फिर खुद न्यूइंग चैट के साथ थोड़ी दूर आती है उससे बात करने के लिए। चैट थोड़ी लाउडली कहता है, खुद न्यूइंग तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या करूँ? वो मेरी बेटी एक टॉम बॉय के साथ डेट कर रही है, एक टॉम बॉय? हाँ, सो व्हाट, इट्स क्यूट ना, खुद न्यूइंग कहते हैं। चैट कहता है, बट क्या तुमने देखा किसी फैमिली पर कि एक टॉम्बा किसी की हस्बैंड है? खुन्निंग उसे हिट करती है। चेट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, स्टॉप हिटिंग मी, पॉइंट ये है कि मेरी बेटी स्ट्रेट नहीं है। फिर वो दोनों वापस आ जाती है। यहाँ उन सब के बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी, कॉज खुन्निंग बहुत जेलस फील कर रही थी और वो बहुत अजीब और रूड बिहेव कर रही थी, जिसे देखकर अनविंग अपनी बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। वाई सोचती है कि वो यहाँ रुकेगी या फिर अनविंग के साथ जाएगी, तो वो फाइनली अनविंग के पीछे जाती है। चैट भी वहाँ से चला जाता है। बस टेबल पर खुन्निंग और सैम बैठी थी। खुन्निंग अपनी हॉट टी कप उठाती है और बिना एक्सप्रेशन से उसे पी जाती है। खुन्निंग, आप अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, सैम कहती है। आपकी तरह एक पर्सन जो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, और आज आपकी ये कैसी बिहेवियर थी, वो भी एक लड़की के लिए? आपको नहीं लगता कि आप बहुत जेलस फील कर रहे हो?
पता है मैंने क्या किया? कन्नेंग कहती है और अपने टी कप को रखती है। फिर वो शांत होने की कोशिश करती है, कॉज सैम उसे रीड कर सकती है। अंदर ही अंदर वो एकदम बर्न हो रही थी, पर सैम के सामने उसे कूल डाउन रहना ही होगा। कन्नेंग कहती है, मैं बस देखना चाहती हूँ मेरी फ्रेंड की डॉटर वो किसके साथ डेट कर रही है। सैम कहती है, तो आप ये किस तरह से करना चाहते हो, एज अ फ्रेंड या फिर एज अ मदर? सैम की फेस पर एक नॉटी स्माइल थी। सो इट्स लाइक सुगर मम्मी। अगले सीन में खन्नेंग खाना बना रही थी। हाउसकीपर आकर कहती है कि कोई आई है, वो थी हनुइंग। वो चेयरफुल किड अभी थोड़ी ठीक लग रही है। वो धीरे से खन्नेंग के पास जाती है। आप इतने जलस क्यों हो कि मैं यू से डेट कर रही हूँ? खन्नेंग कहती है, मैं जलस नहीं हूँ, क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो? अनुयंग कहती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा लाइक करती है और मैंने कभी किसी टॉम बॉय से रिलेशनशिप नहीं रखी, तो मैं बस एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। खन्नेंग उसके पास आती है और उसे टेस्ट करती है। वो उसके बॉडी पर अपने फिंगर को मूव करती है। वट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट? अनुयंग जल्दी से उसकी फिंगर को होल्ड कर लेती है। वी डिड इट, खन्नेंग कहती है। ओके, टॉपिक चेंज करो और ये सुशी खाओ। अनुयंग उसके पास जाकर बैठती है और उसे सॉरी कहते हैं। खन्नेंग भी कहते हैं, इट्स ओके, शायद उसने भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दी थी। वो जेलस नहीं है और ना ही वैसे चाइल्डिश एक्ट करना चाहती है। अनुयंग तभी वहाँ से मूव करते हुए खन्नेंग के रूम में जाती है और उसे कुछ इशारा करती है। खन्नेंग भी तभी अपने काम छोड़कर सीढ़ियों से भागते हुए अनुयंग के पीछे आती है। वो जब अपने रूम में आती है तो वो नोटिस करती है कि अनुयंग अपने स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि स्कर्ट को चेंज कर रहे थे। अनुयंग कम इन, अनुयंग कहते हैं। खन्नेंग डोर को बंद करती है। वेल, इस टाइम वो उतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती, वो धीरे धीरे अपने मूव करती है। सो माई क्यूटीज, आइडिया तो हो ही गया है कि यहाँ पर अगेन एक हॉट रोमांटिक सीन होने वाली है। उसके लिए थोड़ी वेट करनी होगी, कॉज वो सीन मैं बताऊँगी पार्ट 3 में। ऑल राइट देन, सी यू सून पार्ट 3। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।